हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएनके किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी घरों में बनाया जाता है और बहुत इजी भी है। तो आइए, लेकिन कुछ लोगों का अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, बहुत सॉफ्ट नहीं बन पाता है, कुछ हार्ड हो जाता है। तो इसका डो रेडी करने से लेके और लास्ट तक उसे कैसे बनाए कि एकदम टेस्टी बने और आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़े और बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे किचन में मैं आपको शेयर करती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने गुलाब जामुन का पाउडर लिया है जो गिट्स का है। फ्रेंड्स, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे ये ब्रांड अच्छा लगता है इसीलिए इसका मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ। तो मैं पहले इस पाउडर को छान लूँगी अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, इसे छानना जरूरी है क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। देखिए, इसे ऐसे तोड़ना भी होता है, आप तोड़ लीजिए क्योंकि बहुत ही पतला पाउडर होता है। फ्रेंड्स, इसमें एक ही बार सारा पानी नहीं डाल देना है, धीरे धीरे पानी डालते हुए पाउडर को मिक्स करना है, नहीं तो हमारा पाउडर ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसीलिए आप अपने अंदाज से धीरे धीरे पानी डालिए और धीरे धीरे पाउडर को मिक्स कीजिए। देखिए, इसमें मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें पाउडर मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और गीला करूँगी। अभी ये इतना ही हुआ है, देखिए एक सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा सा और सॉफ्ट करूँगी। फ्रेंड, देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, कितना सॉफ्ट है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसको गीले कपड़े से ढक के रखूंगी। इसको गीले कपड़े से ढक के और फिर मैं निकाल निकाल के इसमें से लोइयां बनाती हूँ। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं लोई। फ्रेंड्स, बॉल्स बनाने के लिए हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे कि हमारा जो बॉल्स है चिकना आए। और मैं छोटा सा लूँगी, इतना छोटा, और इसे ऐसे करते हुए बॉल्स बनाना है। और बॉल्स में ध्यान रहे कि क्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा गुलाब जामुन जो है वो फट जाएगा तलते टाइम ही, इसीलिए इसे ध्यान रखना है। बहुत ही चिकना बॉल बनाना है, कहीं भी क्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसे करते हुए बनाना है। देखिए, हमारा बॉल रेडी हो गया है, कहीं भी एक भी क्रेक्स नहीं है। ऐसे बॉल्स आपको रेडी करने हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे 50 बॉल्स रेडी कर लिए हैं और अब मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इसे बहुत हाई हीट नहीं करना है, मीडियम गरम ही करना है, नहीं तो हम जब गुलाब जामुन डालेंगे तो ये ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो जाएगा पहले और अंदर तक अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। इसीलिए इसे ऑयल को हमें मीडियम गरम ही करना है। मीडियम गरम हो जाएगा तब जाके हम इसमें गुलाब जामुन तलने के लिए डालेंगे। फ्रेंड्स, आइए ऑयल चेक करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैंने जो बॉल्स डाले थे वो ऊपर आ गया है। अब मैं इस बॉल को निकाल दूंगी। उनके बॉल्स बनाए हैं, मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूंगी और अब मैं फ्लेम को स्लो कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए ये बॉल्स एक साइड में गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तो हमें बहुत तेजी से नहीं पलटना है, स्लो स्लो करते हुए हमें हल्का हल्का हिलाना है, ये बॉल्स अपने आप धीरे धीरे पलट जाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए पलटना है और इसे अच्छी तरह से डार्क कलर लाने तक स्लो फ्लेम पे इसे तलना है हमको। अभी लाइट ब्राउन ही हुए हैं, डार्क ब्राउन करना है हमको जो गुलाब जामुन का कलर होता है, तो हमारा फ्लेम इस टाइम स्लो रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से तल गया है और डार्क ब्राउन हो गया है।
अब मैं गुलाब जामुन को निकाल लूंगी। निकाल के मैं इस चाशनी में डालती जाऊंगी। और चाशनी कैसे बनाया है मैंने ये आपको मैं अभी बताऊंगी। फ्रेंड्स मैंने गुलाब जामुन इसमें डाल दिया है। और फ्रेंड्स मैंने गुलाब जामुन का चाशनी बनाने के लिए आप एक कोई भी मेजरमेंट सेट कर लीजिए, ग्लास या बाउल, उसमें 1:2 प्रोपोर्शन में आपको डालना है। 1 ग्लास अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं तो उसी ग्लास से 2 ग्लास आप वाटर डालिए। पहले हमें चाशनी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, नहीं तो गुलाब जामुन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए आप 1:2 प्रोपोर्शन में डालिए। फ्रेंड्स मैंने गुलाब जामुन इसमें डाल दिया है। और गुलाब जामुन का चाशनी बनाने के लिए आप कोई भी एक मेजरमेंट सेट कर लीजिए, ग्लास ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और आप क्या कीजिए, अगर ग्लास लेते हैं तो 1 ग्लास शुगर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग 2 ग्लास वाटर ले लीजिए और उसको डाल के पैन में गर्म करने के लिए रख लीजिए। 7 से 8 मिनट में वो अच्छी तरह से शुगर जो है मेल्ट हो जाएगा और बस मेल्ट ही करना है। और जब पानी एक बार बॉयल हो जाए, 7 से 8 मिनट का ही टाइम लगेगा, पानी बॉयल हो जाए तो आप बंद कर दीजिए गैस और चाशनी को ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप गुलाब जामुन तलिए तो आपका गुलाब जामुन अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चीज ठंडा और एक चीज गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने सारा गुलाब जामुन इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगी तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो आपको बार बार इसे हीट देना होगा तो आपके गुलाब जामुन जल्दी हो जाएंगे, और नहीं तो आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए 7 से 8 घंटा, तो अपने आप ही गुलाब जामुन उसमें अच्छी तरह से फूल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गुलाब जामुन फूल के इसका साइज भी चेंज हो जाएगा और कितना अच्छा बना है, रस्से कितने अंदर तक चले गए हैं, ये आपको मैं जब 7 से 8 घंटा बीत जाएगा उसके बाद मैं दिखाती। फ्रेंड्स देखिए गुलाब जामुन कितने बड़े आकार में हो गए हैं, इसका साइज कितना बड़ा बड़ा हो गया है। मैंने ओवरनाइट रख दिया था इसे बना के और देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा गुलाब जामुन कितना चाशनी पी चुका है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब जामुन को चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स ये गुलाब जामुन मैंने सब चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ विद कोकोनट। देखिए कैसे मैं एक कोकोनट से कर रही हूँ, निकालूंगी। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है और इसे ऐसे रोल करके, फ्रेंड्स इसे रोल करते हुए ऐसे रखेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका डेकोरेशन, इस पे अच्छी तरह से चिपक जाता है। लेकिन चाशनी से 1-2 घंटा बाहर निकालने के बाद ही इसे कीजिए कि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वह हमारा गुलाब जामुन सोख कर ले अच्छी तरह से, नहीं तो गीला गीला हो जाएगा और ये चिपक तो जाएगा लेकिन अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा, निकलने लगेगा। फ्रेंड्स देखिए ये रेडी हो गया है और प्लीज आप इसे ट्राई कीजिए। मोस्टली लोग घरों में बनाते हैं लेकिन कभी कभी सभी का अच्छा नहीं बन पाता है, तो मैंने जैसे मेथड से बताया आप उसे फॉलो करके बनाएंगे तो जरूर अच्छा बनेगा। और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।